हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोठारी क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं या जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो हमारी सीरीज से अलग वीडियो होगा। ना तो इसमें एमसीक्यू सीरीज पढ़ा रहा हूँ मैं और ना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज हमारी चल रही है उससे रिलेटेड। आज मैं आपको कराने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन पेपर जो कि हम अपने ट्यूशन सेंटर में स्टूडेंट से ले रहे हैं। मतलब जो हमारे ट्यूशन में परीक्षा साइकिल चल रही है, जो पेपर हमारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं वही पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। और ख़ास कर कि आज मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट जो कि रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से, क्योंकि अभी तक हमने इंडियन इकोनॉमी के कोई भी वीडियो नहीं बनाई है या इंडियन इकोनॉमी के हमने कुछ सीरीज नहीं अपलोड करी है। तो मैं आज आपको एक पेपर सॉल्व करवा देता हूँ इंडियन इकोनॉमी का, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो बिना कुछ देर के चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमने ट्यूशन सेंटर में अपना किस तरीके का पेपर लिया था। तो देखिए, जैसा कि ये हमने सेक्शन ए बना रखा है जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड था और जिसमें ओवरऑल आपके 17 क्वेश्चन थे। पैटर्न वही रखा है जो कि आपका बोर्ड में आएगा, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन को ऐड करा है, उसके बाद तीन तीन नंबर, चार चार नंबर और छह छह नंबर के क्वेश्चन को भी ऐड किया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगा कि इसके आंसर्स क्या हैं और आप किस तरीके से लिख सकते हैं और इजीली आप स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, यहां पर दे रखा है कि किस वर्ष भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। पहला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तो इसका आसान सा आंसर है, सभी को लगभग पता ही होता है कि 1951 से 56 जो आपकी पंचवर्षीय योजना चली थी वो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो 1951 से 1956 आपकी पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 1951 टू 1956। और क्योंकि पूछा गया शुरू कब हुई थी, तो 1951 आप सीधा बोल सकते हैं, इन विच ईयर इंडियन फाइव ईयर प्लान स्टार्टेड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 1947 से 1948 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर क्या थी। ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन एमसीक्यू सीरीज की जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसमें इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को कवर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5% आपका 1947 से 1948 के बीच में भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि समृद्ध दर थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, देखिए अलग अलग बुक में इसके अलग अलग आंसर है। एग्जैक्ट जो बताया जाता है वो बोला जाता है 60 के दशक में, यानी कि 1960 से लेकर के 1970 के बीच वाले जो ये जो टेंडर चला है इसको माना गया है कि ये हरित क्रांति की शुरुआत इसी के बीच में हुई थी। मेनली जो माना जाता है 1967 से 68 माना जाता है कि ये इस टाइम पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ था, भारत ने सबसे ज्यादा वस्तुओं का निर्यात किया था बाहर की तरफ। तो इसीलिए 1967 से 68 को, और मैं आपको एक और बात बता दूं, टीआर जैन की जो बुक है उसमें 1965 को भी आंसर बताया गया और 1965 को भी टिक किया गया। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, ऑप्शन से आप समझ जाएंगे कि अगर ऑप्शन 1960 से 70 के बीच में कोई भी दे रखा है और उसके अलावा 80, 90 या 2000 के आसपास दे रखा है, तो आप 1960 टू 70 के बीच वाला लगाइए, वरना एग्जैक्ट आंसर इसका 67 से 68 या फिर 65 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अब मैं आपको एक बात और बता दूं, सीबीएसई के अगर अकॉर्डिंग पूछा जाए कि कौन सा ईयर माना जाता है कि आपका हरित क्रांति से रिलेटेड है, तो सीबीएसई ने इसे 1967 बताया है। ठीक है, आगे जाते हैं, औद्योगिक नीति से क्या अभिप्राय है। इसमें ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन औद्योगिक नीति के बारे में आपसे पूछा गया। तो औद्योगिक नीति जो कि 1956 में आई थी, मैं आपको बता दूं इसमें तीन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया था, यानी कि इन्होंने बोला तीन क्षेत्रों से बच्चों को क्या याद आता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ऐसा नहीं है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में बांटा था, उसमें बोला गया था पहला क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, यानी कि सरकारी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे रख दिए जिन पे केवल और केवल सरकार का अधिकार होगा। 17 क्षेत्रों को वहां पर नियमन किया गया था कि 17 क्षेत्र ऐसे होंगे जिनको केवल और केवल शामिल किया जाएगा, ठीक है, सरकारी, सरकार के अधीन रखा जाएगा। दूसरा हो गया निजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ जो क्षेत्र थे उन्हें बता दिया गया कि ये क्षेत्र निजीकरण भी किया जा सकता है इनका। ठीक है, तीसरा था जिनमें तीनों मिलकर, दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि जो सरकार है और जो मतलब निजी क्षेत्र है, ये दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, ये आपका तीसरे क्षेत्र में आता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छोटे पैमाने के उद्योगों की निवेश सीमा कितनी है। तो छोटे पैमाने के उद्योगों की निवेश सीमा जो है 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के बीच में है।
ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योगों की 1 करोड़ से 5 करोड़ क्यों है? क्योंकि कई सारे क्षेत्रों में 5 करोड़ तक की सीमा तय की गई है छोटे उद्योगों को। लघु उद्योग हम सभी को पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या है, छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं ज्यादा रोजगार परक होते हैं, रोजगार ज्यादा देते हैं लोगों को, तो इसीलिए छोटे पैमाने के उद्योग भारत में बहुत आवश्यक है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों को लगाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लेता है कि इसके लाभ बताइए, तो आप बता देंगे कि ये समाज में जो असंतुलन हो रखा है आर्थिक रूप से उसे भी पूरा करने की कोशिश करता है। मतलब अगर आपने छोटा उद्योग लगाया तो आप उसे 30-40-50 हज़ार रुपए कमा रहे मान लीजिए महीने का, तो आप अपने कर्मचारी को भी 10 हज़ार रुपए 20 हज़ार दे रहे हैं। मतलब जो अंतर आ रहा है वो 30-40 हज़ार का ही है। ऐसा नहीं कि 1640 करोड़ या 1700 करोड़ रुपए प्रतिदिन मतलब प्रति महीने की जो तनख्वाह ले रहा है मुकेश अंबानी जी और उनके कर्मचारी जो है वो 1 लाख या फिर 50 हज़ार ऐसे तनख्वाह ले रहे हैं, इतना बड़ा अंतर नहीं है। तो छोटे पैमाने के उद्योग ऐसे कुछ फायदे देते हैं आपको। तो आपसे पूछा जाए कि कितनी है, तो 5 करोड़ टिक करिएगा, ठीक है? ऑप्शन में आपके 5 करोड़ आएगा तो आप 5 करोड़ टिक करिएगा कि उद्योगों की निवेश सीमा कितनी है, मैक्सिमम बताएंगे 5 करोड़ तक है। बोल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है। अभी मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र 1956 में जो लेकर के आए थे हम नीति, उसके तहत हमने 17 क्षेत्रों को ऐसा शामिल किया गया था जो कि औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्र के अधीन आते थे, लेकिन अब ये संख्या घट करके 2 रह गई है। तो आपसे आपसे पूछ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है, अब कितनी है ऐसा बताइएगा, तो 2 है। 2 कौन कौन सी है? एक हो गया आपका परमाणु से संबंधित, परमाणु सुरक्षा से संबंधित, दूसरा आपका रेलवे हो गया। इन्हें हमने सरकार के क्षेत्र के अधीन ही रखा हुआ है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, नियमित मंडियां सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुई? तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, मंडियों की संख्या भारत में काफी ज्यादा है, 7800 के आसपास हमारे यहाँ पर मंडियां हैं, 7800, लेकिन उसमें से 25% भी ऐसी भी नहीं है जो नियमित हो। कॉन्सेप्ट समझिए, 25% भी ऐसी नहीं है जो नियमित हो। तो इसीलिए नियमित मंडियों की बात अगर कर रहा है तो नियमित मंडियां बताना है, और सबसे पहले नियमित मंडी कहां पर। अब देखिए कई सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि अपनी मंडी कहां शुरू हुई थी, अपनी मंडी नाम से जो मंडियां हैं, ठीक है, या रायथूगढ़ की मंडियां जो है उनके बारे में बताने लग जाते हैं, लेकिन हमें बताना है कि नियमित मंडियां सबसे पहले कहां हुई थी। तो नियमित मंडियां सबसे पहले जो बनी थी वो आंध्र प्रदेश में बनी थी, और आंध्र प्रदेश के किस जगह पर, तो आप आंसर लगाएंगे हैदराबाद। आंसर आंध्र प्रदेश हो चाहे हैदराबाद हो, दोनों को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है? तो नियमित मंडियों की स्थापना सबसे पहले हैदराबाद में हुई थी। आगे आ जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ये बताया गया कि 1986 के बाद से अब जो नियम मनुष्य के लिए बनाया गया है बिल्कुल वही नियम लागू होगा आपके पेड़ पौधों पर भी और पर्यावरण पर भी। अगर आप उन्हें नुकसान पहुंचाते इस तरीके का, तो आपके ऊपर भी उसी कानून प्रावधान के तहत आपको सजा होगी, ठीक है? मतलब अगर आप पेड़ काटते हैं तो आपके ऊपर एक हत्या का केस भी लग सकता है। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बताया गया। इसमें एक चीज और बताई गई थी, मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ये भी बता दिया गया था कि अब जो है 15 साल से ज्यादा जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का उन पर्यावरण के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जितने भी संसाधन जो वहां से उपलब्ध हो रहे हैं उन पर अधिकार होगा। मतलब वो वहां से फल को बेच करके अपनी आय संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, या फिर वहां पर जो लकड़ियां अवेलेबल हैं जो कि टूट गई हैं, या पेड़ जो मतलब टूट करके गिर गए हैं उनका प्रयोग वो खुद कर सकते हैं, ठीक है? कमाई करने के लिए भी, घर बनाने के लिए भी, कैसे भी, जैसे आपको ठीक लगे। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की शुरुआत कब हुई? ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कि आप चैप्टर पढ़ेंगे पाकिस्तान चाइना और भारत तीनों के तुलनात्मक अध्ययन, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड की शुरुआत आपकी हुई थी 1958 में। 1958 में चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड की शुरुआत हुई। और मैं आपको एक दूसरी चीज और बता देता हूँ इससे रिलेटेड, कि 1978 में वन चाइल्ड पॉलिसी, एंड 1979 में आपका क्या नाम है, SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी आया था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे बोल रहे हैं थोक कीमत सूचकांक क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक कीमत सूचकांक का मतलब देखिए, 11th क्लास की जब आप बुक पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें आपको ये पता होगा कि थोक कीमत सूचकांक क्या होता है। जब साप्ताहिक रूप से महंगाई दर मापी जाती है तो उसे थोक कीमत सूचकांक कहते हैं। मतलब पिछले सप्ताह किसी वस्तु की कीमत में क्या थी, क्या था, और इस सप्ताह इस वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन आया, तो इसे थोक कीमत सूचकांक के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ये आपके एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने यहाँ पर हल करवाए हैं, ध्यान से देखिएगा, और मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगे, और इनमें से मतलब इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि आपको पैटर्न समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और हमें क्या क्या आंसर लिखना है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताई दिया एक एक नंबर के, मैं अब आते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन में, जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में समृद्धि प्रक्रिया तथा मानव पूंजी निर्माण के संबंध में बुद्धिजीवियों का विदेश जाना एक बड़ी अड़चन है, टिप्पणी करें। समृद्धि की प्रक्रिया, समृद्धि मतलब क्या होता है और मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, पहले ये समझिए, उसके बाद बताएंगे कि बुद्धिजीवी विदेश जा रहे हैं तो क्यों अड़चन आ रही है। समृद्धि का मतलब होता है कि आप विकास को प्राप्त कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, साथ साथ आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक प्रणाली नाम का एक शब्द हमने पढ़ा था जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। तो आर्थिक प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसे कोई देश आर्थिक समृद्धि और विकास प्राप्ति की दृष्टि से आर्थिक क्रियाओं का संगठन करने के लिए अपनाता है। तो वहां पे वर्ड आया था आर्थिक समृद्धि, मैंने वहां पे आपको समझाया भी था, एक बार आप दोबारा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से कि भारत में समृद्धि प्रक्रिया तथा मानव पूंजी निर्माण के संबंध में, भारत में मानव पूंजी निर्माण करने के लिए जरूरी है कि जो शिक्षित वर्ग है, जो पहले से ये सब प्राप्त कर चुका है, यानी कि इंजीनियर बन चुका है, डॉक्टर बन चुका है, या फिर साइंटिस्ट बन चुका है, लॉयर बन चुका है, ठीक है, जो भी उसने अपने जीवन में प्राप्त किया है वो चीज वो आगे बांटे, मतलब अपना ज्ञान आगे बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति जो यहाँ पर बहुत ज्यादा शिक्षित हो गया है और फिर वो आगे जाकर के दूसरे देशों में जाकर के पढ़ाना शुरू करते, दूसरे देशों के लोगों को, बच्चों को विकास करने लगे। ऐसा नहीं है कि इससे मतलब हमारा नाम नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि वो सुविधाएं हमारे लोगों को मिलनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रही फिर, क्योंकि वो सारे के सारे संसाधन यानी कि जो मनुष्य है, मानव पूंजी है, वो आगे चला गया। तो अब हमारे यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक जो प्रतिभा पलायन होता है जिसे हम ब्रेन ड्रेन नाम से जानते हैं, ये थोड़ा दिक्कत देता है मानव पूंजी निर्माण के लिए, पहली चीज। दूसरा, समृद्धि की प्रक्रिया में बहुत ही बड़ा अड़चन बनकर के ये आता है, मतलब आप विकास नहीं कर पाते, आप तरक्की नहीं कर पाते, इन्वेंशंस आपके यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि आपकी जो मानव पूंजी है दूसरे देशों के लिए, दुनिया के लिए तरक्की कर रही है। जैसे गूगल में ज्यादातर हमारे लोग लगे हुए हैं, या फिर आपके देखिए माइक्रोसॉफ्ट में आपके हैं, ठीक है, या और नासा में हमारे जो साइंटिस्ट जाकर के लगे हुए हैं। तो अब आप देखिए कि ये तरक्की जो करवा रहे हैं किन लोगों की करवा रहे हैं, दूसरे देशों की, ठीक है। इन्हें ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मतलब ये क्यों प्रतिभा पलायन हो रहा है, क्योंकि उतना संसाधन इनको यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उतना पैसा इन्हें यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक कहेंगे कि हाँ भारत में मानव पूंजी का निर्माण नहीं होने के लिए बड़ी अड़चन के रूप में कार्य कर रहा है कि बुद्धिजीवी जो भारत के हैं वो विदेश जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में हुए मुख्य परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको डाटा याद होना चाहिए कि पहले हम किसके साथ व्यापार करते थे, अब किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, पहले हमारे आयात निर्यात कैसे थे, अब हमारे आयात निर्यात कैसे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में हुए मुख्य परिवर्तन, भारत का विदेशी व्यापार में परिवर्तन हुए। पहले हमारा विदेशी व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था, जैसे कि मैंने आपको बता रखा कि 50% हम व्यापार अपना ब्रिटेन के साथ करते थे। एमसीक्यू सीरीज में इसके ऊपर बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है, अगर अभी तक आपने एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो जाकर के आप हमारी एमसीक्यू सीरीज जरूर देखें। एक चीज और, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई भी पॉइंट तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको वो तभी के तभी क्लियर करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार व्यापार की दिशा में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में अपने विचार देखिए। तो देखिए मेरे विचार अगर मैं बताऊं जो कि बुक के से रिलेटेड करते हैं, जो आपको आंसर लिखना चाहिए, तो आपको लिखना चाहिए कि पहले आयात और निर्यात में बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिला है। पहले हमारे विदेशी व्यापार केवल ब्रिटेन तक था, तो हेडिंग डाल देंगे कि अब हमारा विदेशी व्यापार केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा मैंने एक बात देखी कि हमारे ट्यूशन में कुछ बच्चों ने हमसे सवाल पूछा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में हुए परिवर्तन, तो सिर्फ स्वतंत्रता के बाद वाली स्थिति तभी के तभी बतानी है, यानी कि उन्होंने बोला कि 1947 से 1950 तक की बताएं स्थिति, या फिर उससे थोड़े से आगे की। तो मैं आपसे कह रहा हूं 1947 से लेकर के ये 2020 तक की सारी स्थिति बताइए, मैं आपको बताता हूं कैसे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि स्वतंत्रता के समय हमारी जो सिर्फ विदेशी व्यापार ब्रिटेन तक सीमित था, वो ब्रिटेन तक सीमित ना रह करके आगे बढ़ चुका है, पहली चीज।
दूसरा फिर आप बताएंगे कि अब हमारा विदेशी व्यापार दूसरे देशों के साथ ज्यादा बढ़ने लगा, और उन देशों के नाम बताएंगे किन किन देशों के साथ। तो शुरुआत करेंगे सोवियत संघ से, कि रशिया से हमारे विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई, उसके बाद फिर हम अमेरिका से ज्यादा व्यापार करने लगे, उसके बाद हम यूएई से सबसे ज्यादा व्यापार करने लगे, और अब हम जो है चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ देशों के नाम लिख करके और आंकड़ों के साथ हम बता देंगे कितने कितने प्रतिशत हम व्यापार कर रहे हैं। आपको टीआर जनमेश के अच्छे से आंकड़े मिल जाएंगे, अच्छे से याद करके लिखिएगा। प्लस आप बताइएगा कि विदेशी व्यापार में मुख्य परिवर्तन ये आए हैं कि हम किन किन चीजों का विदेशी व्यापार ज्यादा करने लगे हैं और किन किन चीजों को आयात करने लगे हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डिमांड में परिवर्तन आने लगे थे, तो उस वजह से कुछ वस्तुओं का, तकनीक का, जैसे अब हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर हमारी जो डिमांड हो रही है, तो इसरो की हमारी बहुत डिमांड हो रही है, तो दूसरे जो सैटेलाइट हैं देशों के, वो हमारे द्वारा वो भेजे जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर भी एक तरीके से ये विदेशी व्यापार चल रहा है। ठीक है, ऐसे कई सारे क्षेत्रों के रूप में हम बता सकते हैं यहाँ पर। 3 नंबर का क्वेश्चन, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने आपको 2-3 बातें बता दी। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन हमारा है आपका 4 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय घाटे का कारण बनती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें, कच्चा तेल तो आपको पता ही है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, 85% से ज्यादा कच्चा तेल हम बाहर से आयात करते हैं, हमारे पास तेल मतलब उत्पादन नहीं होता इतनी मात्रा में, तो 85% से ज्यादा तेल जो है हम बाहर से आयात करते हैं, और उसकी कीमतें अगर बढ़ गई हैं तो हमारे देश में भी तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तेल मतलब तेल से बनने वाली चीजें, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, या अन्य चीजें जो भी हमारे पास, सीएनजी सॉरी, हम बोलना चाहते हैं कि पेट्रोल, डीजल, तारकोल, केरोसिन ऑयल, इन सब की कीमतें क्या होंगी, एकदम से बढ़ने लगेंगी। तो इन सब की चीजें बढ़ने के कारण क्या होगा अब, क्योंकि देखिए अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण क्या होगा, सामान्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण उपभोग करने वाली वस्तुएं, खास करके जो सब्जियां और फल जो एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा रहे हैं, वो महंगे हो जाएंगे। वो महंगे होने का मतलब है कि जनता के ऊपर सीधी चोट। तो इस वजह से सरकार को सब्सिडी ज्यादा देनी पड़ेगी, सरकार को सब्सिडी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो सरकार को वित्तीय घाटा उठाना पड़ेगा, और आपको वित्तीय घाटा होगा। अब इसकी आपको व्याख्या करनी है। मेरा ये मानना है कि आपने अच्छे से तैयारी करी होगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, मैंने आपको बस समझा दिया कि कैसे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और धारणीय विकास में अंतर बताइए। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और धारणीय विकास, तो मैं आपको बिल्कुल माइनर सा इसमें जो अंतर है, धारणीय विकास सभी को पता है, पहले तो ये बता दूं कि धारणीय विकास का मतलब होता है कि आप समृद्धि कर रहे हैं परंतु भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का ह्रास नहीं कर रहे, मतलब भावी पीढ़ी भी जो प्राकृतिक संसाधन उनका प्रयोग कर पाए ठीक प्रकार से, इस तरीके से आप समृद्धि कर रहे हैं। पेड़ों के कटाव ज्यादा नहीं कर रहे, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर रहे, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिल सके, तो इसे धारणीय विकास बोलते हैं, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि आप पैसों के रूप में भी वृद्धि कर रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि कर रहे हैं, स्वास्थ्य के संबंधित क्षेत्रों में भी, मानव अधिकार जो कानून है उनके क्षेत्र में भी वृद्धि कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि भारत जो मतलब एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में महिलाओं के कानूनों को, मतलब महिलाओं से संबंधित जो कानून है या अधिकार हैं उन्हें दिए जाते हैं पूरी तरीके से, तो उसमें भारत काफी पिछड़ा रहा है, और यहाँ तक कहा गया है कि 95 ईयर्स मतलब 95 साल भारत को लगेंगे महिला और पुरुषों के जो कानून है उनको बराबर करने के लिए, मतलब दोनों को बराबर के हक देने के लिए, तो ये आर्थिक समृद्धि कतई नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये केवल आर्थिक विकास कराएगा। अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आपकी तरक्की हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं, बिल्कुल लेना देना नहीं आपका धारणा विकास से, आर्थिक समृद्धि से, मतलब आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और धारणा विकास से बिल्कुल अलग है। आर्थिक समृद्धि भी धारणा विकास से अलग है, लेकिन यहां पर कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा आदि चीजों के बारे में सोचा जाता है। यहां तो मतलब आपको बस पैसों से संबंधित विकास देखना है कि किसी भी तरीके से आप विकास विकास कर सके। ठीक है, मतलब पैसों में विकास कर सके, तो इस तरीके का आंसर है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, धारणीय विकास वाला क्वेश्चन, अगर धारणीय विकास जो चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो अगर आपने वो पढ़ा है तो उसी चैप्टर के बिल्कुल एंड में इसके बीच में अंतर बता रखा है टीआर जैन बुक में, आप चाहें तो देख लेना एक बार। और टीआर जैन में 6 पॉइंट्स बता रखे हैं आपको, 6 पॉइंट्स बता रखे हैं आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और धारणीय विकास में अंतर बताने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह
कह रहा है यह कथन कि भारत ने स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है को आप कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपने ट्यूशन में हमेशा सब बच्चों को बोलता रहता हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन आए खासकर की इंडियन इकोनॉमी में तो डाटा जरूर दें, इससे टीचर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे पता होगा कि हाँ ठीक है इस बच्चे ने डीप जा करके मतलब पूरी पढ़ाई करी है और ये डिजर्व करता है कि इसे 100 स्कोर करवाएं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि सबसे पहले आपको लिखना है स्वास्थ्य सेवा में भारत ने कैसे वृद्धि करी है, तो आप बोलेंगे कि भारत ने एम्स का निर्माण करा है, ठीक है 7-8 राज्यों में हमने एम्स का निर्माण करा है जो कि पूरी तरीके से लोगों को मतलब सुविधाएं प्रदान करता है, सभी प्रकार की वहां पर आपको सुविधाएं मिलती हैं जो स्वास्थ्य संबंधित हैं। आप इसके अलावा लिख सकते हैं कि भारत में इसके कारण मातृ मृत्यु दर यानी कि जो माताओं की जो मृत्यु हो जाती थी जन्म देते समय बच्चों को वो उसमें कमी आई है, जन्म दर जो है ठीक है वो कम आई है लेकिन जन्म मृत्यु दर भी कम हो गई है, शिशु मृत्यु दर जिसे बोलते हैं ठीक है, शिशु मृत्यु दर भी यहाँ पर क्या हो गई है कम हो गई है। इसके अलावा जो जीवन प्रत्याशा है वो जो हमारी पहले होती थी 30 साल 32 साल वो बढ़कर के 68 हो गई है, या फिर जो बड़ी बीमारियां थी जैसे टीबी हो गया या कैंसर हो गया इस पर हमने काफी हद तक कंट्रोल पा लिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जिससे हम ये बता सकते हैं कि भारत ने स्वास्थ्य सेवा में बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है ठीक है पहले की तुलना में। अब आगे कह रहा है कि भारत जैसे एक अर्ध विकसित देश में आर्थिक समृद्धि और विकास के संदर्भ में विदेशी व्यापार कितना महत्वपूर्ण है, मतलब आपको आर्थिक समृद्धि और विकास प्राप्त करना तो विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है अर्ध विकसित देश के लिए, अर्ध विकसित देश को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है संसाधनों के रूप में, तकनीक के रूप में, या फिर कुछ भी नया जो वहां पर इन्वेंट हो रहा है उसके रूप में, तो इसीलिए भारत का विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज और है कि विदेशी व्यापार जितना ज्यादा होगा उतनी विदेशी मुद्रा हमारे पास ज्यादा आएगी और इसी मुद्रा का प्रयोग करके हम बाहर से वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो इसीलिए ये और जरूरी हो जाता है। इसमें 3-4 पॉइंट्स आप और लिख सकते हैं, विदेशी व्यापार कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो भारत जैसे देश में जहां पर हमारे पास सभी मतलब हम एक दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, जहां पर हमें आयात ज्यादा करना पड़ता है, तो हम दूसरे देशों पर विदेशी व्यापार मतलब बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारे पास विदेशों से वस्तुएं आनी होती हैं और हम उस वस्तु का उत्पादन स्वयं करने में अभी असमर्थ हैं ठीक है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। बाकी आ गया था व्याख्या करें कि अनियमितीकरण और अनौपचारिकताकरण किस प्रकार निर्धनता की ओर ले जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अनियमितीकरण क्या होता है और अनौपचारिकताकरण क्या होता है। तो ये चैप्टर आया निर्धनता से, ये क्वेश्चन जो आया निर्धनता चैप्टर से आया, इसमें अनियमितीकरण और अनौपचारिकरण दो बेरोजगारी के प्रकार बताए हैं। तो अनियमितीकरण का मतलब क्या होता है, अनियमितीकरण का मतलब होता है कि आप भाड़े के मजदूर हैं, आप नियमित नहीं है, कल काम है आज काम नहीं है, आगे है कि नहीं कुछ पता नहीं, आज आपने 3,000 कमा लिया अगले 10 दिन काम है कि नहीं कुछ नहीं पता, और आज आपने 500 कमाए हैं कल भी 500 कमाएंगे इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, तो ये भाड़े के मजदूरों के लिए ये समस्या रहती है। तो नियमित अनियमितीकरण के कारण ऐसा होता है ठीक है, और अनियमितीकरण रहती है तो आप किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, आप नहीं सोचेंगे कि आप बाइक ले लें या कार ले लें क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसकी किस्तें कैसे भरेंगे, तो इसीलिए निर्धनता आपकी ज्यों की तो बनी रहती है। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों में नहीं पढ़ाने की सोच पाते, आप उनके ट्यूशंस के बारे में नहीं सोच पाते क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और भारत जैसे अर्धविकसित देश में ज्यादातर समय ऐसा होता है कि आपके पास लगातार काम नहीं हो पाता, तो अनियमितीकरण के कारण ही होता है क्योंकि नियमित काम है ही नहीं, तो निर्धनता की ओर ले जाता है पता ही लग गया। अनौपचारिकताकरण क्या होता है, देखिए दो तरीके के रोजगार होते हैं, एक औपचारिक रोजगार एक अनौपचारिक रोजगार। औपचारिक रोजगार के तहत आपका काम होता है कि 8 घंटे तक आपको कार्य करना है, 8 घंटे ज्यादा आप कार्य नहीं कर सकते, आपकी इसमें पेंशन भी आपकी होती है, इसमें आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है, आपको इसमें हेल्थ सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन अनौपचारिकता जो कार्य होता है इसमें आपकी हेल्थ सिक्योरिटी और प्रोविडेंट फंड और आपका जो बीमा है या फिर जो आपकी क्या नाम है हेल्थ सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड कुछ आपको नहीं मिलता, तो इसे अनौपचारिकताकरण बोलते हैं। और अनौपचारिकताकरण में आपकी सैलरी भी फिक्स नहीं होती कि कितनी सैलरी मिलेगी, और अनौपचारिकताकरण के कारण जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं कर्मचारी उनका शोषण किया जाता है। क्यों किया जाता है शोषण, कि उनको सैलरी कम दी जाती है, कार्य उनकी क्षमता से ज्यादा करवाया जाता है। 8 घंटे कार्य क्षमता है मान लीजिए, तो हम उनसे 10 घंटे की कार्य क्षमता या 10 घंटे कार्य करवाते हैं, तो इसे बोलते हैं अनौपचारिकताकरण। इसके कारण क्या होता है, निर्धनता होती रहती है और हमारे जो सामाजिक मधुर संबंध होते हैं उन्हें भी ये
तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है कि आप निर्धन होते जा रहे हैं, आपसे ज्यादा कमाया कर काम करवाया जा रहा है, तो आपके और आपके मालिक के बीच के संबंध भी ठीक नहीं रहते, पहली चीज हो गई। दूसरा, सामाजिक ह्रास होता है, कानून नियमों का पालन पूरी तरीके से नहीं हो पाता। तीसरी चीज जो है कि अगर मान लीजिए कि बार बार अनियमितीकरण होगा और व्यक्ति को कार्य नहीं मिलेगा, तो वो कुछ गलत कदम भी उठा लेता है, वो चोरी चकारी की तरफ चला जाता है अन्य क्षेत्रों में, ठीक है, तो इसकी वजह से कानून का उल्लंघन होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिसका मैंने आप इस उत्तर का समर्थन देने के लिए प्रयोग करें। इसमें 6 नंबर में आपको व्याख्या करनी होती है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है कि आप किन शब्दों का ध्यान पूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर था जो कि 40 नंबर का था, और मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी का ये पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया है। आप इसे अच्छे से दोबारा से देखिएगा, अपने हिसाब से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं जो कि प्रीवियस ईयर 11th क्लास, जब ये मतलब 11th क्लास में इकोनॉमी थी, तो यहाँ पर प्रयोग किए गए थे। पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लस ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, जैसे अनियमितीकरण के बारे में पूछ ले, अनौपचारिकताकरण के बारे में पूछ ले। 2011 से हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो इस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो इस क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में सेट करे हैं, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। मैंने पूरा ओवरऑल कोर्स कवर करने की कोशिश की है इस पेपर के थ्रू। ऐसे ही 2 पेपर मैंने और लिए हैं, ओवरऑल हमने 300 मार्क्स के पेपर लिए हैं, 80 मार्क्स के सॉरी, तो मैं वो पेपर यहाँ पर सॉल्व कर पाऊंगा। आप भी इस पेपर को सॉल्व करिए, आप भी इससे जुड़ी हुई क्वेरीज मुझे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे शेयर करिए, या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। एक चीज और, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं 1200 कवर कर चुके हैं, तो मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सबने इतना सपोर्ट कराए, और आप रेगुलरली मतलब वीडियोस हमारी देख रहे हैं और मतलब वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हम आपको मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम अगला पेपर सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।